ज़कात फ़र्ज है सोने चांदी पर, हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो सोना जो कंज बन जाता है जिस पर ज़कात नहीं दी जाती, उस पर बहुत वईद है हदीस में और कुरान में हम बात कर चुके हैं। सोने चांदी का निसाब कितना है? सोना 7.5 तोले सोना, जो आज के दौर में 87 ग्राम्स के इक्विवेलेंट है। चांदी 52.5 तोले चांदी, जो आज के दौर में 612 ग्राम चांदी के इक्विवेलेंट है, 87 ग्राम और 612 ग्राम, 7.5 तोले और 52.5 तोले चांदी। किसी के पास इतना सोना या इतनी चांदी अगर एक साल भर के लिए रहेगी तो वो साहिब निसाब है। उसको इस पर 2.5% के हिसाब से, 2.5% के हिसाब से उसको ज़कात अदा करनी है। तखमीना अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा? जितना सोना है उसका वज़न करवा लीजिए, किसी गोल्डस्मिथ के पास, किसी सुनार के पास जाएं, उसका वज़न करवा लीजिए कि इस सोने को तुम मुझसे कितने वज़न पर ख़रीदोगे, कीमत नहीं वज़न पर ख़रीदोगे, और जितना उसका फरोख्तनी वज़न है, सेलेबल वेट, सेलेबल वेट पर 2.5% के हिसाब से ज़कात अता कर दी जाएगी। तो बड़ा आसान सा तरीका है, जो सोना है उसका सेलेबल वेट अंदाज़ा कर लीजिए, उसके बाद जितना ऐड करते जाएंगे, जब भी आप सोना ख़रीदें जो इनिशियल गोल्ड पड़ा हुआ है उसका सेलेबल वेट कैलकुलेट कर लीजिए, इसके बाद जब गोल्ड आगे से ऐड करें। वैसे तो सहाबा कराम ने कह दिया था हम सोने चांदी के ढेर जमा नहीं करते, और आपने कह दिया था जाकिर ज़बान शाकिर दिल साबिर जिस्म जमा कर दो, लेकिन अभी भी अगर सोना जमा करना है तो फिर मैं तरीका बता रही हूँ। जो पहला सोना है उसका सेलेबल बिकाऊ वज़न कैलकुलेट कर लीजिए, और आगे से जब भी कुछ ख़रीदें ख़रीदते वक्त ही उसका बिकाऊ वज़न साथ ही पूछ लिया करें। आज मैं ये 10 तोले की चूड़ियाँ ख़रीद रही हूँ, अगर आज ही बेचूँ तो कितने वज़न पर ख़रीदोगे? सेलेबल वेट उसको अगले वज़नों में बराबर करके हिसाब 2.5% लगा के देते रहिए। अरे बहुओं को जो देते हैं उसका सेलेबल वेट बता के दिया करें, और बेटियों को जब घरों से रुखसत करते हैं उनके ज़कात के वज़न, बेटी मैंने तुझे इतना वज़न दे दिया, तेरा इतना बिकाऊ वज़न है, बता के भेजा करें। वो सुस्ती कर गई तो फिर वो बेटी तो मेरी है ना, जिसके सोने के पहनने का मुझे शौक़ है उसके सोने की ज़कात की अदायगी की भी मुझे फ़िक्र होनी लाजिम है। फ़र्जियत तो उसकी है लेकिन उसकी फ़र्जियत में मुआवनत और रहनुमाई करना मेरे लिए लाजिम है, पसंदीदा है अगर मैं कर दूँ, और इंशाल्लाह उस रहनुमाई पर अगर मैं करूँ और वह ज़कात देगी तो इंशाल्लाह उस रहनुमाई पर अल्लाह मेरा कदरदान रब मुझे अजर ज़रूर अता फ़रमाएगा।